Dear students, today we have a chapter, Rachit had a dream. आज हमारा जो chapter हम पढ़ने जा रहे हैं, रचित को एक सपना आया, ये chapter का नाम है, रचित had a dream. चलिए समझते हैं इसको. सबसे पहले यहाँ पर एक picture दी हुई है, आप देख सकते हो, ये जो बच्चा सोया हुआ है, इसका नाम रचित है. आप देख सकते हो सामने light table lamp जला हुआ है, और इधर computer खुला हुआ है, अलमारी खुली हुई है, पंखा भी चल रहा है, और चप्पलें भी देखिए आप इधर उधर पड़ी हुई हैं. तो इस पिक्चर को दिखाकर पूछा गया है, लुक एट रचित रूम, क्रॉस आउट द थिंग्स दैट आर रॉन्ग, राइट द करेक्ट थिंग्स दैट रचित शुड डू इंस्टेड. आपको इस पिक्चर में उन चीज़ों पर कट लगाना है जो चीज़ें गलत की हुई हैं रचित ने, और जो चीज़ें उसे करनी चाहिए उन चीज़ों को आपको यहाँ लिखना है कि रचित को क्या करना चाहिए. राइट, सो बात करेंगे, रचित ने जो चीज़ें गलत की हुई हैं उस पर कट लगाना है, क्रॉस लगाना है, और बाकी जो उसने उसे करना चाहिए वो चीज़ें यहाँ पे आपको लिखनी है. रचित शुड, जैसे रचित शुड स्विच ऑफ द टेबल लैम्प, रचित शुड स्विच ऑफ द कंप्यूटर, रचित शुड क्लोज द अलमीरा, है ना, रचित शुड फिक्स या अरेंज हिज पैरागॉन्स, है ना, रचित शुड स्विच ऑफ द फैन. तो इस तरह से शुड लगाकर आपको प्रयोग, इसका शुड का प्रयोग सीखना है, और शुड का मतलब होता है चाहिए. ठीक है, तो रचित को क्या चाहिए, क्या करना चाहिए रचित को, वो सब चीज़ें हम यहाँ पे बताएंगे. ठीक है, तो अभी हम आगे चलते हैं चैप्टर में. चलिए यहाँ पढ़ते हैं चैप्टर को. यू मस्ट हैव अंडरस्टूड बाय नाउ व्हाट काइंड ऑफ अ बॉय रचित इज. अब तक आप समझ गए होंगे कि रचित किस तरह का लड़का है. रचित इज स्लीपिंग soundly in his room. रचित बड़े आराम से अपने कमरे में सो रहा है. He has a dream. उसको एक सपना आता है. सपने में एक green star उसके सामने आता है और कहता है, रचित get up. I have something to show you. रचित उठो, मेरे पास कुछ है तुम्हें दिखाने के लिए. रचित कहता है, who are you? What do you want to show me? तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? वो कहता है, I am your green friend. मैं तुम्हारा हरा दोस्त हूँ. Don't be scared. Come with me. डरो मत, मेरे साथ आओ. वो कहता है, वेयर, कहाँ? तो वो रचित का हाथ पकड़कर, देखो आप ले जाते हुए, कहता है, कम ऑन, यू नीड टू सी समथिंग. आओ, तुम्हें कुछ देखने की ज़रूरत है. बोलता है, लुक, यू आर वेस्टिंग सो मच इलेक्ट्रिसिटी. तुम बहुत सारी बिजली बर्बाद कर रहे हो. डोंट यू नो, क्या तुम नहीं जानते, वी ऑल मस्ट सेव इलेक्ट्रिसिटी. हम सबको इलेक्ट्रिसिटी, बिजली को सेव करना चाहिए. टू कट डाउन ऑन आवर बिल, जिससे हमारा बिल कम आए, एंड रिड्यूस ग्लोबल वार्मिंग, और जिससे हम ग्लोबल वार्मिंग से ही बचें. तो ये कहता है ग्रीन स्टार रचित को. ठीक है, तो रचित कहता है, रचित फील्स सॉरी एंड स्विचेज ऑफ द लाइट्स एंड द कंप्यूटर. देखिए रचित को बुरा लगता है और रचित को दुख होता है, और वो लाइट और कंप्यूटर स्विच ऑफ कर देता है, यानी बंद कर देता है. ओ आई एम सॉरी, वो कहता है, मुझे दुख है. Now let us go to the bathroom. चलो अब बाथरूम में चलते हैं. The star then takes Rachit to the bathroom attached to the room. अब जो स्टार है वो रचित को ले जाता है बाथरूम में, जो कि कमरे के साथ ही अटैच है. वो कहता है, look, the tap has been leaking since last week. पिछले हफ्ते से आपकी जो टंकी है वो लीक कर रही है, मतलब उसमें से बूंद बूंद पानी टपक रहा है. कहता है, don't you know that every drop of water is precious? क्या तुम नहीं जानते कि हर बूंद पानी की जो है बहुत ही ज़्यादा कीमती है. एंड वी कैन मेक अ डिफरेंस, और हम कुछ अलग कर सकते हैं, कुछ अच्छा कर सकते हैं, बाय टेकिंग केयर ऑफ सच लिटिल थिंग्स, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए. वो कहता है, oh, I did not notice. अरे मैं ध्यान नहीं दे पाया. सॉरी, आई विल गेट इट रिपेयर्ड. माफ़ करना, मैं इसको ठीक करा दूंगा. देन दे मूव टू द ड्राॅइंग रूम. फिर वो ड्राॅइंग रूम में जाते हैं. वो कहता है, रचित कहता है, नाउ वॉट डू यू वॉन्ट टू शो मी. अब तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो? वो कहता है, सी द फैन इज ऑन एंड नोबडी इज हियर इन द रूम. टीवी इज ऑल्सो ऑन द स्टैंड बाय मोड. देखो पंखा चल रहा है, कोई कमरे में नहीं है. टीवी भी जो है स्टैंड बाय मोड पर है. मतलब स्टैंड बाय मोड का मतलब, टीवी को जब चला हुआ छोड़ देते हैं तो कुछ समय बाद स्क्रीन के ऊपर एक लिंक घूमने लगता है, उसको स्टैंड बाय बोलते हैं. टीवी ऑन होता है लेकिन उस समय बिजली वेस्ट होती रहती है. आई एम वेरी सॉरी, आवर टीचर हैज़ ऑल्सो टोल्ड अस नॉट टू लीव द अप्लायंसेज एंड स्टैंड बाय ऑन स्टैंड बाय मोड, इट कंज्यूम्स इलेक्ट्रिसिटी. वो कहता है, मुझे बहुत दुख है, मेरे टीचर ने भी मुझको बताया है कि इस तरह से जो चीज़ें हैं
हमारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट हैं उनको चला के स्टैंड बाय पर नहीं छोड़ना चाहिए, इससे बिजली की खपत होती है। वो कहता है, डू यू नो रचित, क्या तुम जानते हो रचित, वेस्टिंग एनर्जी मीन्स मोर कार्बन एमिशन। अगर हम एनर्जी को वेस्ट करते हैं तो उससे बहुत और भी ज़्यादा कार्बन बाहर निकलती है, एमिशन माने उत्पन्न होती है, उत्सर्जित होती है, रिजल्टिंग इन अ पोल्यूटेड एनवायरनमेंट। और उसका रिजल्ट आता है कि हमारा जो वातावरण है वो पोल्यूटेड हो जाता है, यानी इसमें प्रदूषण आ जाता है। वो कहता है, यस आई नो फ्रॉम नाउ ऑन आई विल टेक केयर, हाँ मैं जानता हूँ लेकिन मैं आपसे ध्यान रखूँगा। लेट अस हैव अ लुक इनसाइड योर किचन नाउ, चलो अब तुम्हारे किचन में चलते हैं और एक बार देखते हैं। वो कहता है, यस वाई नॉट, हाँ क्यों नहीं। बोथ ऑफ दैम मूव टूवर्ड्स द किचन, दोनों किचन की तरफ जाते हैं। यू विल बी हैप्पी टू नो दैट ऑल आर अप्लायंसेज आर 5-star रेटेड। तुम खुश, ये देखकर तुम्हें बहुत खुशी होगी कि हमारी जितने भी यहाँ पर चीज़ें हैं, अप्लायंसेज हैं, वो सब 5-star रेटेड हैं। इट इज़ अ गुड थिंग, ये बहुत अच्छी बात है। रचित कहता है कि देखो यहाँ पर हमारे सारे जितने भी अप्लायंसेज हैं वो 5-star हैं। यहाँ रचित को बोलने का मौका मिलता है क्योंकि यहाँ पर कोई गलती नहीं होती। वो कहता है, ग्रीन स्टार इट्स अ गुड थिंग, पर एक गलती हो जाती है। ग्रीन स्टार कहता है, बट लुक समबडी हैज़ लेफ्ट द रेफ्रिजरेटर डोर ओपन, कैन यू इमेजिन दैट ओपनिंग द रेफ्रिजरेटर डोर ओनली वेन नीडेड कैन सेव अप टू 7% इलेक्ट्रिसिटी। वो कहता है, किसी ने रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खुला छोड़ दिया है, क्या तुम कल्पना कर सकते हो कि यदि हम सिर्फ समय पर रेफ्रिजरेटर का डोर ओपन करें तो हम 7% बिजली बचा सकते हैं। दैट इज़ अमेजिंग, अरे वाह, ये तो बहुत ही अजीब बात है, बहुत ही अच्छी बात है। इसके बाद वो डोर को बंद करते हुए कहता है, आई विल टेक केयर दैट आई डू नॉट ओपन द डोर अननेसेसरली और कीप इट ओपन फॉर अ लॉन्ग टाइम। वो कहता है कि मैं ध्यान रखूँगा कि मैं दरवाज़ा ना खोलूँ बिना वजह, और मैं इसको बस ज़्यादा लंबे समय के लिए भी ओपन ना करूँ। आई एम हैप्पी दैट यू हैव रियलाइज्ड हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू सेव एनर्जी। वो कहता है, मैं खुश हूँ कि तुमने मुझे ये चीज़ रियलाइज़ कराई, मेरे को ये चीज़ महसूस कराई कि कितना इम्पोर्टेंट है एनर्जी, ऊर्जा को सेव करना, बचाना। बट देर आर सम पीपल हु से एंड सम हु रियली डू, नाउ यू हैव टू चूज विच वन इज़ यू। तो ये ग्रीन स्टार कह रहा है कि मुझे खुशी है कि तुम्हें ये बात रियलाइज़ हो गई, तुम्हें ये बात समझ में आ गई कि एनर्जी को बचाना कितना ज़रूरी है। लेकिन यहाँ पर कुछ लोग हैं जो बहुत कहते हैं, कुछ लोग करते हैं, तो मतलब बहुत कम लोग हैं जो करते हैं, कहते तो बहुत लोग हैं। तो वो कहता है कि अब तुम्हें चूज़ करना है कि तुम कौन हो, विच वन इज़ यू। तो ग्रीन स्टार रचित से कहता है, वो कहता है, रचित आई चूज़ टू बी अ डूअर, कह रहा मैं करने वाला बनना चाहता हूँ। वो कहता है ग्रीन स्टार, गुड, दैट इज़ गोइंग टू हेल्प यू ब्रीथ इन द क्लीन फ्रेश एयर, लेट्स शेक हैंड्स ऑन दैट नॉट। वो कहता है, अच्छी बात है, इससे तुम्हें क्या होगा कि तुम्हें क्लीन, साफ और बिल्कुल ताज़े वातावरण में, हवा में सांस लेने को मिलेगा, चलो इसी बात पर हाथ मिलाते हैं। रचित शेक्स हैंड विद द ग्रीन स्टार, रचित हाथ मिलाता है, और इसी के बाद रचित की आंखें खुल जाती हैं। और आंखें खुलते ही देखे रचित, आप देख सकते हैं कैसे बैठा है और अपनी मुट्ठियाँ बंद हैं उसकी। वो कहता है, ओ इट वॉज अ ड्रीम, अरे ये एक सपना था। वो कहता है, डिड आई रियली टच द स्टार और वॉज इट ओनली अ ड्रीम, क्या मैंने सच में स्टार को छुआ या फिर ये एक सपना था। ऐसा सोचकर रचित उठता है, ही लुक्स अराउंड, ही फील समथिंग इन हिज हैंड, वो चारों तरफ देखता है, उसको अपने हाथों में कुछ महसूस होता है। व्हेन ही ओपन हिज फिस्ट, जब वो अपनी मुट्ठी खोलता है, अ टीनी लाइट फ्लैशेज इन हिज पाम, एक हल्की सी जो प्रकाश है उसके हाथों में, उसकी हथेली पर दिखाई देता है, एंड इज गोन एट वंस, और एकदम से चला जाता है। ही स्माइल्स बिकॉज ही नोज इट इज़ अ स्पैक ऑफ स्टारडस्ट, वो हंसता है क्योंकि वो जानता है कि ये जो झलक है ये स्टारडस्ट की जो है झलक है जो उसके पास आया था। रचित स्टार्ट्स अरेंजिंग हिज रूम, रचित शुरुआत कर देता है अपने रूम को सही से बिल्कुल अरेंज करने की, बिल्कुल सही ढंग से लगाने की। तो इस तरह से हमारा चैप्टर ख़त्म होता है, चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर दिया है, चूज़ द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट दीज सेंटेंसेस, सही ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। यहाँ पर जैसे पहला क्वेश्चन देखते हैं, वी मस्ट नॉट लीव अप्लायंसेज ऑन स्टैंड बाय मोड, हमको जो
अप्लायंसेज है, हमारे इलेक्ट्रॉनिक जो कंपोनेंट है उनको स्टैंड बाय मोड पर नहीं छोड़ देना चाहिए। यहाँ पर ऑप्शन दिया गया था स्टैंड बाय, स्विच ऑन और स्विच ऑफ, तो मैंने आंसर दिया है स्टैंड बाय जो कि सही है। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू सेव, ऑप्शन है मनी, एनर्जी और फूड, मैंने आंसर दिया है एनर्जी। ठीक है, बाकी जो तीन क्वेश्चन है थर्ड फोर्थ फिफ्थ ये आपको करना है। चलिए रीड दीज एक्सट्रैक्ट्स एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलो। एक्सट्रैक्ट्स मतलब जो कि बुक से लिए गई लाइनें हैं, आपके इस चैप्टर से ली गई लाइनें हैं, उसके पहले वो लाइन बताई जाएगी और फिर आपसे पूछा जाएगा। जैसे फिल्म में क्या है, फिल्म में जैसे सनी देओल को डायलॉग बोल देता है तो कह लें ये 2.5 किलो का हाथ है ना, जब किसी पर पड़ता है तो आदमी उठता नहीं, उठ जाता है, तो पूछा जाता है कि ये लाइन किसने बोली, तो आप आंसर देते हो सनी देओल ने बोली। ऐसे यहाँ पर पूछा जा रहा है नाउ व्हाट डू यू वॉन्ट टू शो मी, अब तुम मुझे क्या दिखाना चाहते हो, तो ये बातें किसने कही। क्वेश्चन ए क्या कह रहा है, हु इज़ द स्पीकर, स्पीकर कौन है, मैं बता देता हूँ, ये स्पीकर है रचित। रचित कह रहा है ग्रीन स्टार से कि तुम मुझे अब क्या दिखाना चाहते हो। अगला क्वेश्चन है हुम इज़ द स्पीकर स्पीकिंग टू, स्पीकर जो है वो किससे बात कर रहा है, ग्रीन स्टार जो जो रचित है वो किससे बात कर रहा है, ग्रीन स्टार से बात कर रहा है। ठीक है, व्हाट डज द अदर पर्सन वॉन्ट टू शो, जो दूसरा व्यक्ति है वो क्या दिखाना चाहता है, व्हाई डू यू थिंक द स्पीकर नीड्स टू डू दैट, तुम्हें क्यों ऐसा लगता है कि स्पीकर को ऐसा करने की ज़रूरत है, दूसरा व्यक्ति उसको एनर्जी की जो वेस्ट हो रहा है वो दिखाना चाहता है, एनर्जी वेस्टिंग है ना, जो स्विच ऑन है मतलब जितना भी स्विच ऑन है, कंप्यूटर है, फैन है, वो सब, देर आर मैनी अप्लायंसेज आर स्विच ऑन एंड वेस्टिंग एट द टाइम द एनर्जी इज़ बीइंग वेस्टेड, तो वो चीज़ उसको दिखाना चाहता है। और इसलिए उसको क्यों देखना चाहिए, क्योंकि जिससे वो एनर्जी की और एनर्जी सेविंग जो है उसको समझ सके कि हाउ इम्पोर्टेंट इज़ इट। तो ये इस तरह से हो गया, आई चूज़ टू बी अ डूअर, ये सेकंड वाला आपको बताना है, फर्स्ट वाले के आंसर मैं आपको भेज दूंगा। ठीक है, आप पहले चैप्टर पढ़ लीजिए। आई चूज़ टू बी अ डूअर, हु इज़ द स्पीकर, व्हाट आर द चॉइसेस बिफोर द स्पीकर, स्पीकर कौन है, किसने कही ये बात, और स्पीकर के सामने कौन सी दो चॉइस थी। If the speaker chooses to be a doer, what all must he do? अगर वो doer बनना चाहता है या choose कर लेता है तो वो क्या कर सकता है और क्या उसे करना चाहिए। ठीक है, चलिए मेरे question का मतलब आपको समझा दिया, अब देखते हैं tick the correct option। यहाँ पर आपको दो दो option दिए हैं, इनमें से एक सही है। जैसे पहले वाला देखते हैं, रचित्स room was organized और disorganized। organized माने होता है व्यवस्थित और डिसऑर्गेनाइज्ड माने होता है अव्यवस्थित, तो उसका रूम तो इधर उथल पुथल हो रहा था तो डिसऑर्गेनाइज्ड आंसर होगा। बाय सेविंग इलेक्ट्रिसिटी वी कैन रिड्यूस डैश स्लैश इंक्रीज ग्लोबल वार्मिंग, अगर हम ऊर्जा बचाते हैं तो हम क्या कर सकते हैं, ग्लोबल वार्मिंग को कम कर सकते हैं या बढ़ा सकते हैं, ऑब्वियसली कम कर सकते हैं तो रिड्यूस होगा। ऐसे ही थर्ड क्वेश्चन फोर्थ क्वेश्चन और फिफ्थ क्वेश्चन आप करेंगे, इसको पढ़िए और कीजिए। अब यहाँ पर देखिए, ये कंपाउंड वर्ड जैसे समथिंग, समथिंग जो है एक कंपाउंड वर्ड है, कंपाउंड वर्ड होता है जो दो शब्दों से मिलकर बनता है, दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर बनता है, तो समथिंग, सम माने कुछ, थिंग माने कोई भी चीज़, तो समथिंग, सम बड़ी, बड़ी माने कोई व्यक्ति और सम माने कुछ, कोई व्यक्ति, तो दो शब्दों से मिलकर बना। ऐसे यहाँ पर दिए हैं आपको, जैसे 1 से लेकर 10 तक आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं और ए से लेकर आपको जे तक आपको कुछ वर्ड्स दिए हैं, तो आपको 1 ये जो इधर लिखा है 1, 2, 3 इनको ए बी सी जहाँ आपको लगता है कि सही बनेगा वहाँ आपको मैच करके लिखना है। ये जो आपको दिया गया है इस तरह के बॉक्स में आपको लिखना है, आपकी बुक है आपके, अगर आपके पास बुक है तो आप उसमें लिख सकते हैं, और बुक नहीं है तो आप अपनी कॉपी पर सिर्फ आंसर लिख सकते हैं। आप आंसर लिखने से पहले वर्ड स्मार्ट लिखकर ए एक्सरसाइज डाल देंगे, एक्सरसाइज ए, फिर आप इसको करेंगे। जैसे मैंने बनाया है अर्थ क्वेक, नंबर 1 को मैंने बी से मिलाया है, अर्थ क्वेक है ना, जो भूकंप होता है उसको बोलते हैं अर्थक्वेक, तो अर्थक्वेक दो शब्दों से मिलकर बना है, अर्थ माने पृथ्वी और क्वेक माने हलचल, तो जब पृथ्वी पर हलचल होती है उसको भूकंप बोलते हैं। अगला मैंने बनाया है बेंच मार्क, ठीक है, तो बेंच मार्क मैंने बनाया है। थर्ड मैं बना सकता हूँ मैच स्टिक बना सकता हूँ, हार्ड ब्रोकन बना सकता हूँ, रेन ड्रॉप्स बना सकता हूँ, आगे मैं नहीं बताऊँगा, ये 10 के 10 आपको करने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही बहुत है, इसको 2-3 बार वीडियो को देखिए, रचित को बहुत अच्छे से समझ लीजिए, रचित कौन था, रचित ने क्या सपना देखा और एनर्जी सेविंग क्या होती है, और जितने भी वोकैब्स जितने भी शब्द अर्थ इसके अंदर आए हैं उनको आप याद कर लीजिए, समझ लीजिए। ठीक है, चलिए थैंक यू वेरी मच, है ना, कीप ऑन वॉचिंग माई चैनल, आपको सारा मटेरियल इसी चैनल पर ऐसे ही मिल जाएगा, आप कभी भी पढ़ना चाहेंगे आपको यहाँ पर मिलेगा। ठीक है, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।